दोस्तों ये अस्लान हसनी जो है स्किपिंग करते हुए देखें माशाल्लाह। दोस्तों आज हम आए हैं सर सैयद हेल्थ जिम, यहाँ मालूमात करेंगे कि ये क्या क्या एक्सरसाइज करवाते हैं। ये माशाल्लाह जिम है और ये देखिए। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद हुसैन हसनी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं जो है सर सैयद हेल्थ जिम का मैंने विज़िट किया है और अस्लान हसनी जो हैं माशाल्लाह मेरे भतीजे हैं, ये इनका है। इसके अलावा मेरे दो भाई और हैं जिनके वो जिम हैं और वो भी मैं आपको उनसे मिला दूंगा। मेरे और एक मेरे भाई के अलावा जो है मेरा समझ लें फैमिली बिजनेस हमारा यही है। तो माशाल्लाह एक्सरसाइज करने वाले हैं सारे माशाल्लाह, मतलब सब हमारी फैमिली में। बड़े भाई मिस्टर पाकिस्तान, मिस्टर सिंध, मिस्टर कराची के टाइटल होल्डर हैं, उनसे भी मिलवाऊँगा आपसे। सैयद मोहम्मद हसनी शिकार पर मेरे साथ जाते हैं, आपने देखा होगा। फिर इसके अलावा मुझसे जो बड़े हैं सैयद हसन हसनी, उनका अलग जिम है। ये मेरे सबसे बड़े भाई का जिम है सैयद अहमद, उनका इंतकाल हो गया, ये अब जो है ना उनके बेटे सैयद अरसलान हसनी जो है वो ये चलाते हैं। तो आज मैं उनसे मिलवाता हूँ आप लोगों को। और एक भाई और है मेरे, उनका बिल्कुल हट के बिजनेस है वो माशाल्लाह। वो आपको मैं सरप्राइज़ आपसे उनसे ना मीटिंग कराऊँगा, तो आपको उसी में मैं बताऊँगा कि क्या करते हैं। तो मिलते हैं माशाल्लाह सैयद अरसलान हसनी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जिम के माशाल्लाह बहुत सीनियर ट्रेनर वजाद जवाद भट्ट साहब जी जी जी, जवाद भट्ट साहब। और ये माशाल्लाह आप देखें, इन्होंने घिसर मारा था मतलब मून बेजाद। तो दोस्तों ये माशाल्लाह हम आ गए इधर और इन्होंने माशाल्लाह काफ़ी लड़कों को यहाँ माशाल्लाह एक ट्रेन करके और काफ़ी मतलब कुछ तो एक प्रोफेशनल बन गए। मतलब उन्होंने मिस्टर नॉर्थ कराची, मिस्टर कराची की टाइटल वगैरह में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। जी 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 दोस्तों, जैसा कि आपसे पिछले व्लॉग में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं सर सैयद हेल्थ जिम का के साथ आप विज़िट करूँगा और आपको इसके बारे में बताऊँगा कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट ये यूज़ कर रहे हैं और क्या क्या माशाल्लाह एक्सरसाइज करवाते हैं। तो आज मेरे पास दोनों सीनियर पर्सन बैठे हुए हैं, एक सैयद अरसलान हसनी, ये जिम ऑनर भी हैं, जिम ट्रेनर भी हैं, और इनके साथ साथ जो है ना भट्ट साहब, जवाद भट्ट साहब हैं। ये काफ़ी सीनियर ट्रेनर हैं माशाल्लाह। और जब से ये जिम है माशाल्लाह, जब से ये जवाद साहब की खिदमत माशाल्लाह बच्चे हासिल कर रहे हैं। तो आज मेरे सामने माशाल्लाह दो सीनियर पर्सन हैं। मैंने तो एक ज़माने में एक्सरसाइज की, उसके बाद मुझे जिम के बारे में ये पता है एक्सरसाइज मस्ट करना चाहिए, हर बंदे को करना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी फिटनेस के लिए बहुत बेहतरीन है और नए बच्चों के लिए तो ख़ास तौर पे, क्योंकि बड़ी बुरी हैबिट से बच्चा बचता है और जो गेम खेलने से बेहतर है फिज़िकल एक्टिविटी में बच्चा रहता है उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो मेरा आने का मेन मकसद यही था कि यहाँ क्लब में जो है ना बैठ के बात करूँ तो वो आप लोगों को भी समझ आए, शौक दिलाने के लिए। तो खुदा रहा आप लोग जो गेमिंग घर में कमरे में बैठ के कर रहे हैं उससे हटें और अपने टाइम को स्पेंड जिम में आके करें। उससे क्या है कि आपको जब जिम करेंगे तो अच्छी ऑटोमेटिकली आपको डाइट आपको अच्छी खुद ब खुद आपको शौक हो जाएगा कि मैं दूध पीऊँ, कीमा खाऊँ, ये खाऊँ। तो उससे पहले तो आपको पता है आप प्यास भी नहीं लगती होगी घर में बैठे बैठे। तो बाकी तो ये है, तो मैंने अपनी बातें की हैं, बाकी माशाल्लाह तो ये मैं अरसलान ट्रेनिंग दे रहे हैं। अरसलान भी माशाल्लाह बहुत अच्छा ट्रेनर है और बहुत अच्छी डाइट न्यूट्रिशन इसको बारे में बहुत पता है। फिर हम दोनों ही जिम को चला रहे हैं माशाल्लाह। और ये जैसे कि हसनी भाई ने बोला कि गेमिंग जो है ना वो इंसान को फिजिकली अनफिट कर देती है, एक्सरसाइज आपको कई कहते हैं ना बुरी चीज़ों से बचाती है। आप फिट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और हर चीज़ आपका जो भी एजुकेशन टारगेट है जो भी है वो उसको अचीव कर सकते हैं। फिट जितने अच्छा फिट रहेंगे उतना अच्छा आप उसको करेंगे। और फिटनेस तो वैसे ही बहुत अच्छी है, आपकी कई बीमारी का इलाज है, आपके स्पाइनल्स का, आपके मैदे की, हर चीज़ बीमारी का इलाज जो है वो फिटनेस है। तो बिगनर्स को हम लोग पहले भी लास्ट टाइम भी हमने ये कहा था कि आप जिम आएँ, आप जिम को सिर्फ एक लोड करके एक्सरसाइज नहीं करें, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर एक्सरसाइज करें। 45 मिनट जिम को दें, फिटनेस करें, बॉडी बिल्डिंग भी नहीं करें, आप सिर्फ फिटनेस करें जिससे आप फिट रहें। एक चीज़ साथ हम विजिट करते हैं बता देते हैं, ये फिटनेस एक ऐसी चीज़ है कि कई हम क्लाइंट्स हमारे पास स्टूडेंट्स ऐसे आए जिनको भूख नहीं लगती थी, खाते पीते नहीं थे, कमज़ोर हो रहे थे। तो हमने उनको ये बोला आप एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज से जो आपकी आपकी जो भूख नहीं लगती है, आपकी ब्लड की फ्लो होती है, आपकी बीमारी सब खत्म होती है, आप फिट होते हैं, आपका भूख लगना शुरू होती है। सही बात। तो इसलिए आपको इंशाल्लाह इसके अंदर आप अपने उसको थोड़ा मेहनत करेंगे ना तो आप, वो आप अपनी वो जो है ना एनर्जी मांगेगी ना, बिल्कुल चाहिए होगी।
अच्छा, ये क्या चीज है? ये बेसिकली रोप है, ये पूरे मसल्स के लिए बहुत अच्छी होती है, आप एक्टिव रहते हैं, फिट रहते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे लगाते हैं। जी जी, जी दोस्तों देखें, ये रोपिंग है, ये बॉडी को मार्क करने के लिए जबरदस्त। अच्छा, ये बॉडी को वार्मअप के साथ आपका जो एक्स्ट्रा फैट होता है बैक पे, शोल्डर की बैक हैंड होती है, इसके लिए बहुत अच्छा होता है। सही सही, इससे ये होता है कि आप फिट रहते हैं, आपका एनर्जी बूस्ट ज़्यादा अच्छा बूस्ट करती है। सही, आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं, जैसे कि ये ट्विस्टर है। सही, ये साइड आपके साइड के लिए बहुत अच्छा होता है। सही, ये हाइट जैसे लगा रहे हैं, नीचे की पुली है, फ्रंट पुली होती है, बैक पुली ना, ये बैक पुली होती है, ये फ्रंट लगाते हैं। सही है, ये ट्राइसेप के लिए, मशीन तो सीमित है लेकिन इस पर ट्राइसेप लगा रहे हैं, ट्राइसेप लगा रहे हैं। इसी तरह आप जिम में देख रहे हैं कि जितने भी लड़के हैं, यंग लड़के हैं, वो ज़्यादा फिटनेस की तरफ आ रहे हैं। सही है, तो इसलिए फिटनेस ही आ रहे हैं आजकल, हेल्थ इज वेल्थ। आप जितना फिट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, और आपकी जो हर चीज़ फिटनेस की, फिजिकली फिट रहेंगे। सही, आपकी हर चीज़ पहनी भी अच्छी लगेगी। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। जी दोस्तों, ये बर्ड साहब जो है ना, हमारे को जिम जो है विजिट करा रहे हैं और बता भी रहे हैं एक्सरसाइज किस इंस्ट्रूमेंट किस एक्सरसाइज के लिए होता है, तो इसके साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह दिखाते रहते हैं। ये बटरफ्लाई मशीन है। अच्छा, इसके स्किल लगती है, हम आपको बताते हैं लगाते कैसे हैं। जी बट साहब, एंगल्स हैं तो आप एंगल से भी ले सकते हैं, इसको मिडल में भी, फुल में भी ले सकते हैं। सही सही, आप इसको फुल कलर ट्राई करते हैं तो बिल्कुल सेक्टर बॉडी का बैलेंस में रखेंगे। सही सही, फोल्ड एंड स्लो फुल अप, ये आपके चेस्ट में फॉल होती है। जबरदस्त, साइड ट्विस्ट में फॉल होती है। ये अदनान असली लगा रहे हैं, अदनान लगा के दिखा दो। अच्छा, आपकी बैक लेग जो विंग्स के लिए होती है, साइड के लिए ट्विस्ट में फॉल होती है, और ठीक हो गया। जैसे ये लगा रहे हैं आजकल लड़के, माशाल्लाह विंग्स वगैरह के लिए विंग्स के लिए फॉल होती है आजकल लड़कों में। अच्छी आदत है कि वो ये चीज़ें जब फिटनेस करता है, इंसान काफ़ी बुरे कामों में रहता है, फिट रहता है, एक्टिव रहता है, और ओवर एज भी नहीं होता। जी जी, सबसे बड़ी बात यह स्पोर्ट्समैन की, ये कॉलर की ट्रेनिंग है जो कर रहे हैं अभी। ये दोस्तों देखें, कॉलर बना रहे हैं, शोल्डर भी कह सकते हैं इसको, कॉलर यहाँ से ले लेते हैं, ऐसे रखते हैं, फ्लो डाउन है, ठीक हो गया, ईजी रिलैक्स होकर आप लगाएंगे टाइट टाइटल का आपका ट्राइसेप। ये किस चीज़ के लिए? लेकिन सिंपल एंगल जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो जी ईजी होते हैं, जो ईजी लड़का जो ईजी लगा सकते हैं, ठीक हो गया, होल्ड करेंगे, देन चेस्ट चेस्ट होल्ड एंड अप। आपको पता है जैसे कि रश था जिम में, जी जी बहुत ज़्यादा रश था जब मैं आया था ना, जी जी, तो जैसे मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं थी, 11:30 मैंने व्लॉग देर से इसलिए स्टार्ट किया। उससे बाइसे बॉल में इस्तेमाल होती हैं। सही हो गया, आज मैं आपको दिखाता हूँ, इस्तेमाल होते हैं नंबर 5 की। सही, मुश्किल करेंगे बैक शोल्डर है ये। आप जैसा एक्सपीरियंस ट्रेनर मिल जाता है तो माशाल्लाह लड़कों की जो है ना बॉडी बहुत तेजी से मतलब इंप्रूव होती है। जी बिल्कुल, ट्रेनर जो है ना बिल्कुल आप मैं बैलेंसिंग बॉडी बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको डाइट के बारे में बताता है, डाइट क्या खाना है बिफोर एंड आफ्टर, बिल्कुल मॉर्निंग इवनिंग, तो उससे ये होता है कि बैलेंस बॉडी बनती है। अगर आप ट्रेनर नहीं है, पंचिंग मशीन किस काम आती है? अच्छा, ये बॉक्सिंग के लिए है, और ये इसमें भी बच्चे ही लगाएगा, आप ये दिखा देंगे माशाल्लाह। चलो ये बेटा, ये देखें, सही प्रोफेशनली बॉक्सर लग रहा है यार। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा, ये अपनी पूरी फिटनेस की एक्सरसाइज है, आपको पता है पंचिंग, इसके अंदर स्टैमिना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बच्चे माशाल्लाह अच्छे हैं, टीन एजर हैं, ये इसको लाइक करते हैं, वेल डन वेल डन। और इसमें आजकल जबरदस्त, जैसे कि पाउड होता है बैलेंस साइड से, उसको आप ऐसे करके वेस्ट वगैरह की जो है, बिल्कुल साइड वेस्ट, बिल्कुल साइड वेस्ट में फॉलो होती है, साइड वेस्ट। इससे सारी मशीनें, पुलावर है, ये पुलावर है, ये पुलावर है, जिससे यूज होता है आपका पुल चल रही है, हैवी हो, उसको यूज करके दिखाएं जरा किस तरह होता है, सामने से ले लूं आप? यस बिल्कुल, कैसे रखेंगे और बिल्कुल नेक करके स्लो
बैक लोड ऑन, इससे आपका ये जो हिस्सा ये बैक पे जाता है, जो आपका नीचे का लोअर पोर्शन होता है ये ऊपर की तरफ खींच जाता है, जैसे कि आपका लोअर पोर्शन डाउन होता है उसके लिए होती है अप करने के। ये बेसिकली आपकी विंस की टी शेप जो होता है उसके लिए टी बार इस्तेमाल होता है। ये जबरदस्त इंस्ट्रूमेंट्स तो बहुत जबरदस्त हैं, मगर ये कि इसको यूज करने की बात मेन चीज है, यूज करना ना। यूज जब भी होगा जब आपको ट्रेनर होगा, ट्रेनर ही आपको बताता है कौन सी स्टार्टिंग, जो आपके बिगनर्स हैं उनको स्टार्टिंग में क्या लगाना है क्या नहीं लगाना। ये बाइसेप लगा रहे हैं जी, बिल्कुल ये बाइसेप है, ये बाइसेप बॉल प्रेशर क्लासिक मशीन जो आप। यहाँ एक ट्रेनर से और मुलाकात हो गई माशाल्लाह, सईद भाई काफी एक्सपीरियंस। सलाम वालेकुम सईद भाई। सलाम वालेकुम, कैसे ठीक ठाक जाने आसिफ भाई? अरे क्या हो गया यार, और तुम कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं देख रहा था। अच्छा अच्छा, और सईद भाई? बहुत सही है जवाद भाई, हम जी जवाद भाई से मिलाते हैं। सईद जवाद पर साहब सीनियर थे जी जी, और माशाल्लाह माशाल्लाह काफी इनके जो स्टूडेंट्स हैं मिस्टर पाकिस्तान मिस्टर कराची और काफी पाकिस्तान में जितने भी अच्छे ट्रेनर हैं माशाल्लाह इन्हीं के बनाए हुए ट्रेनर हैं। इस न्यूट्रिशन बहुत अच्छे हैं इनकी ट्रेनिंग माशाल्लाह। सर सैयद हेल्थ जिम की जो है ना आप लोग चार चांद लगाए हुए हैं, आप लोग के वो कम से कम 22 साल से जी 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 माशाल्लाह। आदमी खुद अच्छा होता है ना जी जी जी, दूसरे को हमेशा अच्छा समझता है। नहीं सईद भाई आप वैसे नहीं, सईद भाई आप दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और माशाल्लाह आप लोगों की माशाल्लाह इधर इस जिम के लिए काफी आपकी वर्किंग है माशाल्लाह, आपके बहुत स्टूडेंट्स हैं इधर, आप लोग की तारीफ तो मैं सुनता रहता था। छोटा भाई मेरा ये माशाल्लाह बहुत नो डाउट अबाउट इट जी, बहुत मेहनती और बहुत अच्छा नाम है। बस है कुछ चीजें ऐसी जो नहीं आती जो ट्रेनर से हमारी तारीफ करें माशाल्लाह, और माशाल्लाह एवरेज बहुत अच्छी माशाल्लाह है इसको। तभी तो ये हम सब डेमो दे रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप लोग तो वेट काफी से यूज करते होंगे इसमें। बिल्कुल, इसमें सिर्फ आपको बता रहे कैसे लगता है। अच्छा, ये सारी चीजें आपकी फिटनेस की है, ये कोई वेट लिफ्टिंग नहीं है, बॉडी बिल्डिंग है। बिल्कुल, डेली आए 45 मिनट एक्सरसाइज करें, अपनी डाइट अच्छी रहेंगे, सबसे मेन आपकी न्यूट्रिशन डाइट सही, आपकी डाइट बैलेंस आपकी बॉडी भी बैलेंस रहेगी। सही सही बात। इसी तरह ये आपकी जितना वेट इस्तेमाल करना अगर आपकी कलाइयां वगैरह बनानी है, जो पंजे लड़ाने का जिनको शौक होता है उसके लिए भी जी बिल्कुल, आप इसमें वेट ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से आप वेट डालें, वेट डालने के बाद आपका वेट बढ़ता रहेगा, सही आप उसको सेम एंगल में मुख्तलिफ एंगल में। दोस्तों ये भी फोरआर्म के लिए अपना कलाई वगैरह यूज करनी थी, आप इसको बाहर ले आके भी अपने तरीके भी ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ये डबल इसमें आपको एक्सरसाइज हो रही है, थाई की भी हो रही है, ओवर भी हो रही है, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। सही तो बहुत सारा लगे जाते इसका सही है। दोस्तों ये स्ट्रिट को है, वन बाय वन ये किस काम आ रही है? ये आपकी बैक साइड के लिए होती है। अच्छा, ऐसे देखिए इसको आपको मैंने पूरे 360 से लूंगा इसको ना आपको, ये काम की एक्सरसाइज लग रही है इसमें, आपके विंग्स वगैरह ये सब कुछ आपका पूरा बैक जो है ना, हाँ इस पे डिपेंडेंट हो रहा था आपका पूरा बैक मसल जो है ना वो सही सही हेल्दी और काफी। बहुत सारी मशीनें हैं, आपको ले चलते हैं। ये बैक पुली है जी, लगा लगा यार माशाल्लाह, आप लगाए 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 आप बैक पुली के लिए, मैंने बंदा बहुत सूटेबल मैंने चूज किया है। माशाल्लाह हमारे हैं सीनियर स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, बहुत ही ज्यादा सीनियर हैं जी जी, और इनका वेट इनकी बॉडी बता रही है यार, इनका वेट भी दिखा सकते हैं आपके माशाल्लाह, देखें इजीली देखें फुल मशीन से फुल या थ्री पेस कम है ये इजीली माशाल्लाह। ये बेसिकली विंस की फ्रंट पुली है, मैं फ्रंट यूज कर रहे हैं, फ्रंट पुली है ये, इससे शोल्डर्स वगैरह ये वो आर्म वगैरह सब बहुत है, और आप इसको इजीली अच्छा इजीली ये कार्डियो के लिए ले जी, लाती है ये आप इजीली इसको ऐसे रखिए जबरदस्त ज्यादा अच्छी आपकी साइड बैक के लिए होती है, आप इसको रख सकते हैं। यस ओह जबरदस्त, मशीनें बहुत हैं, कुछ मशीनें जो होती हैं वो रॉड नहीं लगा सकते, उनकी बैलेंस नहीं होता, उनका बैलेंस नहीं होता, तो बैलेंस होती है तो हम मशीन उनको स्टार्टिंग उसकी एनर्जी के हिसाब से और स्टार्टिंग के हिसाब से उसको गाइड कर देते हैं। जी जी, कितना वेट लगाना है इसको, ऐसे लेट के आप इजीली ले जाए और यहाँ से रख के
इससे बैलेंस बराबर रहता है आपका। ऐसे ही होगा कि आप डिसबैलेंस नहीं हो। सही सही। रॉड जो ना हमेशा आपको डिसबैलेंस करेंगे। स्टार्टिंग हम 1 से 2 वीक इसको ऐसे ही बताते हैं। ठीक। उसके बाद फिर इसको आपका हाथ का बैलेंस बन जाए तो फिर आप जो है ना अपनी बेंच प्रेस पे आ जाएं। एक और रह गया। अच्छा ये आपके हैंगिंग स्टैंड है हमारे ना। जी जी। अच्छा ये शोल्डर डिस्क के लगता है जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ। मुझे ये भी बता दिया करें कहाँ से आपको लूँ एंगल में, फ्रंट से लूँ या सर से लूँ? आप जिस जी जी सही पता लग जाए। सही सही। ये तो बहुत ज्यादा जान मांगती होगी। जान मांगती है। ये आपके हैंगिंग है। न्यू बंदे के लिए तो बड़ा मुश्किल है ये हैंगिंग। ये बिल्कुल इसलिए आपको बता देते हैं अभी फिलहाल। जी जी फिर नेक्स्ट टाइम किसी जी जी आपकी ठीक हो गया। सारी मशीनें अच्छा मैनुअल चीज़ें जो आपको ज़्यादा अच्छी आपको स्ट्रॉन्ग करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑटोमेटिक में तो ये है कि थोड़ा टफ होती है। जी जी बाद में इसलिए आप इजी रख लें। बड़ा सा पुशअप करते हैं इसी तरह। ये हमारी बिगनर के लिए चेस्ट प्रेस है। अच्छा बच्चे डिप नहीं लगा सकते, चेस्ट नहीं लगा सकते, वो इजीली डिप और चेस्ट इजीली लगा सकते हैं। दोनों किस तरह लगाते हैं? ये भी आप बैठे हैं स्ट्रेट और इसको यहाँ से पकड़ लें। बिल्कुल टेक करें स्लो अप स्लो डाउन। अच्छा ये मतलब पुशअप की ट्रेनिंग के लिए आप इसको इसके लिए अक्सर बच्चे हैं जो ज़्यादा वीक होते हैं। जी जी जिनके लिए डिप्स मुश्किल है कमांडो से वो इजीली इस पे लगा के थोड़ा सा जो डिप्स को सीखने के लिए आप इसको मसल स्टिफ हो जाता है तो इसमें होता है कि मसल कम स्टिफ होता है। सही। वैसे तो अदरवाइज आपको पता है कि 10-15 दिन बिगनर के लिए मसल थोड़ा स्टिफ होता है। सही। वो ऐसे तक फुली रिलैक्स हो जाता है। चले बट साहब कोई एक सेकंड। ये मशीन पैरल वाल है, ये बहुत अच्छी है। अच्छा ये आपके शोल्डर और चेस्ट के दोनों के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छा। इसके कई एंगल्स हैं, वो अपने हिसाब से आपकी बॉडी बॉडी कैसे बनानी है कैसे रखनी है उसके हिसाब से आप इसे चलाते हैं। ठीक है तो आप देखें कुछ एंगल इसके यूं भी लगते हैं, ठीक है ऐसे। सही। कुछ एंगल इसके लगते हैं ऐसे। सही। और कुछ एंगल लगते हैं बड़ी ईजी है और बहुत अच्छी है। आपके चेस्ट शोल्डर के लिए दोनों में यूज होती है। सही है। तो देन आगे आपको केबल क्रॉस पे ले जाते हैं। जैसे इसमें ये केबल क्रॉस है, इस केबल में कई सिस्टम है जिसमें आप ट्राइसेप लगा सकते हैं। जैसे कैसे वन हैंड में यूज करके ट्राइसेप लगा सकते हैं आप इसमें, ठीक है। आपको बोल दे सकते हैं इजीली, आप इसको बॉल लगा सकते। मतलब इसमें क्या है, 4-in-1 है, 5-in-1 है, 3-in-1 है, मल्टी मल्टी एक्सरसाइज है। इसमें मल्टी इसमें आप सब कर सकते हैं। आप इसमें आप चेस्ट की फ्लाइंग लगा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ के लिए आपको। देख रहे हैं दोस्तों माशाल्लाह कैसे कैसे ट्रेनिंग मशीनें हैं और उसमें आप देख लें तो जो जो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ वो बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। नई जो लड़के होते हैं उनके लिए मशीन है ऐसे लगा सकते हैं। ज़बरदस्त, ठीक है। इसी तरह आप इसके आगे आप शोल्डर एंड देन कॉलर उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। मुख्तलिफ एंगल है, मल्टी रूम। अच्छा मैं आपकी चीज़ बता देता हूँ हसनी भाई। जी आप माशाल्लाह जिम में आए, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। आप पहले आए थे जिसमें ब्रश बहुत था। जी जी। फिर हमने आपको हमने वेट कर लिया, हमने कहा यार अभी आप भी बिजी हैं थोड़ा जिम में भी रश है। जी हमने कहा चले जब आप लोग फारिग हो जाएंगे तो जी जी आपसे गाइडलाइंस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं कि जिम ट्रेनर होता है जो बिजनेस आते हैं आपको बिल्कुल लाइन ऑफ लाइन सीखना एक्सरसाइज करनी क्या है, डाइट लेनी क्या है, ये सारी डिपेंडेंट आपकी न्यूट्रिशन डाइट पे। अगर आप वेट लॉस पे जा रहे हैं तो आपने क्या चीज़ खानी है क्या चीज़ नहीं खानी। और इसी तरह अगर आप साइज पे जा रहे हैं बॉडी को साइज पे जाना चाहते हैं तो आप उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सी डाइट लेनी है जो आपको फैट दे, गुड फैट नॉट बैड फैट। तो सारी चीज़ें डाइट पर भी अकाउंटेबल होती हैं कि आप डाइट कितनी अच्छी ले रहे हैं और एक्सरसाइज कितनी देर तक कर रहे हैं। अच्छा जो बिगनर्स है उनके लिए जो एक्सरसाइज है वो मैक्स जो है वो 30 से 45 मिनट, उसका डाइट अच्छी रखें और क्या कहते हैं नेचुरल डाइट जितनी अच्छी होती है उससे अच्छी कोई डाइट नहीं है। अच्छा मुख्य जिमों में और मुख्य जिमों में लोग कहते हैं यार ये प्रोटीन है नहीं, फूड सप्लीमेंट देखें, फूड सप्लीमेंट से बेटर आप नेचुरल फूड लें। फूड सप्लीमेंट आपको फौरन पिकअप दे देंगे लेकिन नुकसानदेह भी बहुत होते हैं। सही सही। आपके किडनी के लिए आपके मेदे के लिए बहुत सी चीज़ें साइड इफेक्ट कर देती हैं। रिजल्ट तो दे देते हैं लेकिन आफ्टर जो है उसका जो साइड इफेक्ट है वो ज़्यादा है। इसलिए मैंने आपको दिखाई है मशीनें बहुत हैं। जी जी हमारे पास बहुत मशीनें माशाल्लाह हमारे पास भी बहुत हैं। जिम में सरसियत जिम है, जिम का कराची का एलएमसी बनकर सरसियत जिम है, बहुत पुराना अप्रोक्सीमेटली इनको 23-24 साल हो चुके हैं। जी माशाल्लाह माशाल्लाह इसको 22 इयर्स जिम को हो गए। 22 हां बिल्कुल 22 23 इयर्स जी जी बिल्कुल ऐसे ही हो गया।
जिस अभी हमने आपको दिखाया है सारी चीजें दिखा दी, नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे अपने बिगनर्स। और सबसे बड़ा था ये इंडोर जिम होते हैं उससे ज्यादा ये फायदेमंद ये होते हैं कि ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट है ना, जी जी बिल्कुल। सेकंड चीज ये है कि आपको नेचुरल एड नहीं मिलते आप जब इंडोर में करते हैं, आप जब इंडोर में जिम में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपको वॉफ होते हैं, आपको डिहाइड्रेट होते हैं। ये ओपन जिम है इसलिए सर्दी गर्मी आपको सूटेबल होता है, इसमें आपको ये होता है कि आपको गर्मी में ये होता है कि आपको ऑक्सीजन भी अच्छी मिली होती है, नेचुरल एयर भी मिली होती है, आपके रेपिटेशन आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स देती है। इंडोर में वैसे ही लड़के कहते हैं आजकल इंडोर में जो है ना वो आपका जो है ना बॉडी टेम्परमेंट सही नहीं रहता, बिल्कुल। तो हमारा जिम माशाल्लाह जो है वो इतने सालों से गुजरा और इस जिम ने पाकिस्तान के बेस्ट ट्रेनर निकाले हैं और बहुत दिनों ने मिस्टर पाकिस्तान मिस्टर कराची इसी जिम से ट्रेनिंग करके स्टार्ट करके वो उन्होंने मुकाबले लड़े हैं और माशाल्लाह विनिंग प्राइस पे आए, वो विन किया उन्होंने और ट्रेनर भी इसी जिम से बने। अच्छा जैसे कि हसनी भाई ने जिम ज्वाइन किया, मैंने इनको से पहले डिप्स लगवाई, अब मैं इनको लेके आ रहा हूँ कमांडो छत पे। बट साहब बताएं कैसे लगाना है? आप देखते हैं हसनी भाई, पहले तो हम वेट देखेंगे। हाँ वेट सूटेबल है, वेट सूटेबल है जी, बिल्कुल यस इजी। अच्छा एक थोड़ी सी आप क्रॉसिंग कर देंगे, यस ऐसे स्लो डाउन स्लो अप, बिल्कुल यस। जी दोस्तों इस वीडियो में माशाल्लाह काफ़ी मालूम आता हासिल हुई और यकीनन आप लोगों को भी बड़ा फ़ायदा होगा। और ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसके साथ ही मुझे दिए इजाज़त, अपना बहुत खास ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।